Bravo, hi, Bolo. अब हम जाने लग गए हैं घूमने के लिए। मैं हूँ, मेरी फ्रेंड और मेरी फ्रेंड की फ्रेंड भी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ आप सबका ब्लॉगर निशा पे। पहले तो आप सबको मेरा प्यार भरा पहला और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। होप करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 9 बजे से। तो आज है हल्द्वानी में मेरा सेकेंड डे। आज भी हम कहीं ना कहीं घूमने जरूर जाएंगे और जहाँ भी जाएंगे वो तो मेरे आप इस ब्लॉग में देख ही लोगे। तो सबसे पहले मैं आपको आपके यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ। क्योंकि कैमरा क्या आ रहा है ऐसा है, वीडियो भी अजीब ही लग रहा है, फ़ोटो भी अजीब सी आ रही है। चलो जो भी आ रहा है आप इग्नोर मान लें इन सब चीज़ों को। ये देखना कि मैं आप लोगों को यहाँ का व्यू और ब्लॉगिंग कैसे दिखा रही हूँ। तो छत से ना काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, आप देख सकते हो। तो इन लोगों ने गमले में ऐसे फ्रूट्स के पेड़ भी लगा रखे हैं, यानी कि संतरा वगैरह जो भी होते हैं। अब चलते हैं रूम पे। अब मैं जाने के लिए रेडी भी हो चुकी हूँ। कमेंट में बताना मैं कैसी लग रही थी। इधर मेरी फ्रेंड भी रेडी होने लग गई है। अब हम जाने लग गए हैं, मैं, मेरी फ्रेंड और मेरी फ्रेंड की फ्रेंड। अब हम ऑटो में भी बैठ चुके हैं जाने के लिए, लेकिन मुझे इस वक्त कोई आइडिया नहीं था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं करके। जाने के बाद पता चला बहुत अच्छी जगह और बहुत खूबसूरत जगह है। सो आप मेरे ब्लॉग पे बनी रहे और उस चीज़ों को देखिए और आपको भी काफ़ी इन्जॉय करोगे। आप भी, हम लोगों ने काफ़ी मस्ती की वहाँ जाकर, काफ़ी मज़ा आया। आप भी देखिए हमने क्या क्या किया वहाँ जाके। तो मेरी फ्रेंड ले गई थी हमें यहाँ पे। और वो भी खुद फर्स्ट टाइम आई है और वो भी गूगल मैप पे देख रही है कि हम सही जा रहे हैं या नहीं करके। हम ना रास्ता भटक गए थे, 2-3 जगह अलग अलग जगह चले गए थे, फाइनली फिर सही रास्ते पे भी चले गए थे। बाद में हम आ गए थे यहाँ नीचे। तो आप सही रास्ते पे चले गए हैं, हम गूगल मैप पे देख रही हैं। यहाँ पे है बड़ा सा मंदिर। तो गाइस अब हमें जाना है इस पुल पे, तो मुझे तो काफ़ी डर जैसा लग रहा है। तो आप चलते हैं, तो अब हमें इस पुल पे जाना है। और इधर हो रहे थे मुंडन, जैसे कि आप देख सकते हो ये हो रहा है मुंडन काफ़ी लोगों का। और दूसरी साइड हो रहे हैं अंतिम संस्कार, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे शमशान घाट भी है। और इतना बड़ा पुल है ये।
है, ना काफी हिल रहा है बहुत ज्यादा, तो डर भी लग रहा है इसमें से, लेकिन चलो आगे तो चलते हैं अब। और अभी हम पुल के बिल्कुल बीचों बीच में हैं और काफी डर लग रहा है यहाँ से इधर उधर को देखने में भी। फाइनली पुल पार करके हम पहुंचे हैं जहां आने वाले थे, यानी कि इसी जगह घूमने आने वाले थे। हम सब फर्स्ट बारी आए थे यहां पे, और यहां घूमने के बिना 50 रुपए देने पड़ते हैं, यानी कि हम लोगों के 150 रुपए लगे थे टोकन खरीदने में। यहाँ आते ही सबसे पहले हम लोग बैठ गए झूले में, लेकिन झूला झुलाने को कोई रेडी नहीं था, सब झूले में बैठे थे। तो हमने किसी से कहा कि हमें झूले झुला दो, तो वो आ गए हमें झुलाने के लिए। इधर हो रही है रील बनाने की तैयारी, ये अभी तो काफी याद आ रही है उस दिन की। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा हार्ट बना हुआ है, हमने यहाँ बहुत सारे फोटो क्लिक की। और आप देख सकते हैं ये इतने बड़े पत्थर हैं यहाँ पे, और इसमें पानी, और इधर फोटो शूट होने वाले हैं अब मेरे दोस्तों के। ये तो अभी हमने काफी इंजॉय कर लिया है, थोड़ी देर और बैठेंगे यहाँ, काफी मजा आ रहा है दोस्तों के साथ। तो आप बने रहे मेरे वीडियो पे। जगह काफी खूबसूरत है, ये पक्षी के घोंसले जैसे भी हैं यहाँ पे छोटे छोटे, बाकी तो खैर बनाए हुए हैं हाथों से। ये काफी प्यारी जगह है ये, मतलब बहुत मजा आया, और काफी अच्छी जगह भी है, बहुत खूबसूरत। जैसे कि आप देख सकते हो जगह अच्छी है पर महंगा बहुत है, एक दिन का 5,000 रुपये बोल रहे थे यहाँ रहने के, मेरी फ्रेंड कह रही थी, मतलब मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है। तो आप जाते हैं घर को, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया है, अब जा रहे हैं दूसरी जगह घूमने। अब हम घर को भी निकलने लग गए हैं, लेकिन इनकी फ़ोटोशूट ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, सुबह से काफ़ी फोटोज क्लिक की हम लोगों ने, काफ़ी यादें। अब जाते हैं घर को।
सॉरी घर को नहीं, दूसरी जगह जा रहे हैं घूमने के लिए। उसी पुल को क्रॉस करके काफ़ी डर भी लग रहा था पुल में। एक तो इतनी हवा चल रही थी, पता नहीं ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब हिल रहा है बहुत ज़्यादा पुल भी। अब हम जाने लग गए हैं दूसरी जगह। वो दूसरी जगह रोशनी ने तो देखी है, बट मैंने और रोशनी की फ्रेंड ने नहीं देखा है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं है। एक तो गूगल मैप भी यहाँ वहाँ भटका रहा था हमें, जैसा दिख रहा था ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग काफ़ी थक गए थे चलते चलते, काफ़ी पैदल रास्ता था क्योंकि ना स्कूटी या उसमें तो शायद मतलब 10-15 मिनट लगते, लेकिन पैदल तो काफ़ी चलना था, ऊपर से जंगल का रास्ता था। लेकिन जैसे तैसे हम वहाँ पहुँच ही गए, भी बड़ी मुश्किल से। और हमें आना था यहाँ पे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हम पहुँच गए चलते चलते, इतनी हालत ख़राब हुई वापसी। फाइनली फिर पहुँच ही गए हम दीपूदा के रेस्टोरेंट पे। काफ़ी फेमस है ये मैगी के लिए, तो हम लोगों ने भी मैगी ही ऑर्डर किया यहाँ आने के बाद। पहले काफ़ी सोचा क्या खाए, लास्ट में हमने खाया मैगी। ये ना ऐसे नदी के किनारे पर है, मतलब काफ़ी अच्छी हवा आती है, ठंडी ठंडी हवा आती है। नदी के किनारे पे बना है ये रेस्टोरेंट, तो हमारे मैगी भी आ चुकी है। अब हमें मैगी खाने के लिए इतनी दूर आए हैं, पता नहीं आप लोग भी सोच रहे होंगे कितने बड़े। अब हम चले गए हैं घर को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया था। घर जाते वक्त तो ऐसी गाड़ी की व्यवस्था हो ही गई थी। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने